सो गाइस, तो हम लोग एशिया टेलीकॉम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं बताने वाला हूं आज एशिया टेलीकॉम में एक टास्क दिया गया हम लोगों को, जो कि फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाला है। वो लिमिटेड बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो कोर्स सर के अकॉर्डिंग हम लोगों के लिए फ्री दिया जा रहा है। इसमें से टोटल हम लोग 18 स्टूडेंट है, 18 स्टूडेंट से सिर्फ 10 लोगों को वो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन उसका लक पॉइंट देखा जाएगा, जिसको लक जिसका लक साथ करेगा उसी को वो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। वो कोर्स कौन सा है? आईफोन स्पेशल आईफोन ट्रेनिंग, आईफोन का जो कोर्स है वो सर के कंप्लीट कोर्स सर जिसका नाम आएगा उसको ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे बताओ आज आपका लास्ट डेट है? यस सर, लास्ट डे हो गया है। ओके सर, एंड्रॉइड आपका बेस्ट था? यस सर। एंड्रॉइड में कोई कमी? नो सर, ये सिर्फ एक दिल से दी गई चीज है। यस सर। एंड आज तक मैंने अभी तक सिर्फ कुछ ही गिने चुने स्टूडेंट को बाहर बाहर दिए है, पर ऐसा झंडे में नहीं दिए। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले यही उठाए हेलो, तो ऑल द बेस्ट कह दो भाई। जय माता दी, जय माता दी रॉक। जनता 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 बोले हाँ, ये काली माता की जय। जय आ गया। चलो अपनी पर्ची अपने पास रखना, ठीक है? चलो सामने बोलो, चेहरा दिखाओ। लाइक बाई चांस मतलब पहले जा रहा उसको मिल रहा है क्या? पहले जा वाला तो मुझे एक पर्ची नहीं है। बैंक हो गया राउंड, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब चलेगा। मैं खोल रहा था, रुक जा रुक जा, एक 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 करके एक एक करके। पहले सोहेल का देखें, खाली है। कोई बात नहीं है, सामने बात नहीं था ना, दिखा जरा। पगल ले भाई, अपन का नाम लेते हैं जिसने बनाई है उसके देखते उठा उठा मेरे को बटन चल दो, वो उसने अपने देख कर बनाई है। राम जी का दोस्त, राम जी देखो अरे आगे चाहिए किसी बारी अभी दोस्ती बारी अब मेरी बारी मेरी बारी आए दो चलो कर लो दोनों कर लो, हाथ उठाओ। चलो एक आपको बहुत अच्छी चीज देता हूँ, सबको दे रहा हूँ मैं। आईफोन 13 लाइव है, आईफोन 12, आईफोन X, आईफोन 7, आईफोन 8 सब लाइव करके उसमें डाला है वीडियो, और सिस्टम से डाला है। ऐसा नहीं कि एक पूरा वीडियो डाल दिया, रिबोलिंग का पहले हर चीज़ को बोल कर कि कहाँ आपने कितनी हीट रखनी है। सिर्फ आईसी क्लीनिंग के मैंने कम से कम 6 वीडियो डाले हैं ब्लू कट करने के, और 6 अलग अलग वीडियो जो पूरे इंडस्ट्री में मतलब उन्हीं को पता है जो वाकई में चाइना से काम करके आए अपने, क्योंकि मैंने हर टेक्निक डाली है। मैंने ग्लू से कैसे कट करना है, सिर्फ क्या बोलते हैं ट्विजर से कैसे कट करना है, ब्रश से कैसे कट करना है, क्लीन करना है, हीटर से कैसे क्लीन करना है, थिनर से कैसे क्लीन करना है, हर एक वो सेम मेथड
मैंने 20 सेकंड के अंदर सिर्फ सीपीयू क्लीन करके दिखाया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट तरीका है, सेफेस्ट तरीका, सीपीयू हार्म भी नहीं होता। तो वो सारे वीडियो डाले बहुत, उसके अंदर 500+ वीडियो है। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जिनको भी ये मिला, सबसे पहले आईफोन 6 देखना है। iPhone 6 पर टोटल 35 चैप्टर है, जिसके अंदर बूट चुके हैं तो बैटरी कनेक्टर से चालू होकर, क्योंकि iPhone 6 के प्रोटोकॉल सबसे पहले समझ में आएंगे। हेलो सीधे X में चले जाओगे, 12 में चले जाओगे और 14 में चले जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। iPhone 6 के बाद iPhone 7 देखना है, iPhone 7 के बाद iPhone X, X के बाद 11 और 11 के बाद 12 और उसके बाद 13, 14 और बात फिर मैं अपडेट करता ही रहा। ये आपका वैलिड रहेगा 2 साल तक, 2 साल आप इसको रखें। ये 2 जगह आप चला सकते हैं, मोबाइल में कहीं पर भी बैठकर और अपने लैपटॉप में। तीसरी जगह आपने अगर कोशिश भी की तो वो ब्लॉक हो जाएगा, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने अपनी आईडी, अपना पासवर्ड किसी और को देने की कोशिश की तो वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो यूजर आईडी को चेक करता है। सिक्योरिटी 1 नंबर है, इसलिए उसको बहुत पैसे, मतलब क्लास पल्स है जिसका एडवर्टाइजमेंट करता है सौरभ गांगुली, तो वो है। तो आप देखो यहाँ पर मेरे को उसी का तक निकला हुआ है, टॉप 3 एजुकेटर रहा क्लास पल्स में, क्योंकि खूब बिका, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने मेरे से खरीदा है, क्योंकि लोग आईफोन के 80,000-1,00,000 नहीं देना चाहते हैं, वो एंड्रॉयड पे ऑलरेडी सीपीयू निकाल रहे हैं, उनको स्किल ऑलरेडी है, डायग्राम पढ़ना एंड्रॉयड का आता है, तो उनको आईफोन के अंदर घुसना है, तो ये सबसे आसान तरीका था उनके लिए। तो ये मैंने 2022 से बनाना चालू किया है, 24 तक अभी ये लाओ या जल्दी लाओ, हो गया तो। कि ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर हमारा मोबाइल फ़ोन का एम्पेयर 1 के ऊपर नहीं जा रहा है तो वो फास्ट चार्जिंग कभी करेगा ही नहीं। ओवर से आपको पता ही होगा, आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग 2 एम्पेयर 2.2 इस तरीके से चार्ज करता है, 1.8 1.6, बट अगर आपका मोबाइल इतना जा ही नहीं रहा है, 0.6 पे अटका है, 0.7 0.8 या और ब्लू चला गया है, अगर मान लो आपने चार्जर लगाया अभी 0.6 आया और सडनली वो जंप करके 0 पे चला गया, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 0.6 पर आना और उसके बाद 0 पे आना, तो ये भी एक लॉजिक बनता है इसके पीछे, जिसको समझना इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा एक नियम है, एक प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल। स्टूडेंट है और ये इनके पास एक बोर्ड है, कैसा बोर्ड है ये बताओ? सर ओप्पो का पेस्टेड ब्लैक पेस्टेड है, ओप्पो का A37 जो कि हार्ड ब्लैक पेस्टेड होता है, यहाँ पे ये देख लो आप, और इसको ये रिमूव करने वाले हैं, इसका फुल प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा और ये पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, क्लीनिंग, निकालना, रिमूव, ग्लू कटिंग, हर एक चीज़ दिखाने वाले हैं। चलिए ठीक है, चलिए सर। बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं और बहुत इजी वे से हमें जैसे सब सिखाया गया, हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, उस हिसाब से हमने सफल हो रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले आप करते थे क्या? नहीं सर, मैं ब्लैक बेस्ट काम कभी नहीं किया, यहाँ आके फर्स्ट टाइम। फुल कंप्लीट प्रोसेस देखा, क्लीनिंग सब देखा पूरा, यहाँ पे देख सकते हैं एक भी पैड डैमेज नहीं हुआ। वीवो ओप्पो का फोन है तो भी A37 जो कि बहुत हार्ड ग्लू होता है जी सर, सबसे हार्ड होता है ये ब्लैक ग्लू, और नॉर्मल सेटों के तो और आसानी से निकल जाते हैं, पर ये ओप्पो के सेटों में जो ब्लैक ग्लू पेस्टेड होता है बहुत। सो मोबाइल पे मोबाइल आ रहे हैं, प्लेट आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो टेबल है, वो मोबाइल से सज गया है, पर बनाना नहीं आता है। क्यों भाई? बनाना सीखो, अभी सर्किट इतना हाईफाई हो गया है और वो सर्किट को सीखना पड़ेगा। सिर्फ सीपीयू रिवॉल्व करने से या पावर रिवॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, सर्किट सीखना है। और अगर आईसी रिवॉल्व करना नहीं आती तो वो भी सिखाएंगे, और लगाना नहीं आती तो वो भी लगाएंगे। 3 दिन में पावर और 14 दिन में सीपीयू की गारंटी देते हैं। एसर टेलीकॉम ज्वाइन करो, मोबाइल रिपेयरिंग करना है, मास्टर बनाएंगे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं।
जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्र। सर मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? जो स्टूडेंट रिपेयरिंग की क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते या जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन की हैं और जिनको और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए तो वो रेफरेंस के लिए ये बुक परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आईसी डाटा शीट, हार्डवेयर सर्टिफिकेट, पावर बूट सूटकेस, मोबाइल वर्किंग टेस्टिंग, आपकी जो कंपोनेंट की टेस्टिंग है, नेटवर्क सोल्यूशन, मीडियाटेक सीपीयू स्पेशल, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये मिलने वाला है। और ये इसके अंदर सर्किट का तो नॉलेज मैंने आपको दिया ही है, साथ में इसके अंदर कंपोनेंट टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से बताई हैं, सर्किटों के बारे में बताया है, टूल्स के बारे में बताया है। तो ये सारी चीज़ बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी जो कम पैसे में थोड़ा सा नॉलेज चाहते हैं यूट्यूब से ज़्यादा। तो ये यूट्यूब से ज़्यादा का नॉलेज है, ठीक है, जिसके अंदर आप नेटवर्क के सोल्यूशन से हैं, आईसी डाटा सीट हो गई, बहुत सारा सब कुछ है। ये 400 के ऊपर के बनने की ये बुक होने वाली है, जिसके अंदर इतिहास से लेके एडवांस तक का आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो इस बुक को परचेस करें, इस बुक की कीमत बहुत ज़्यादा है पर इसको 50% पे बेचा जा रहा है। तो आप इस बुक को केवल और केवल वेबसाइट से परचेस करें ऑनलाइन, और ये आपके 8 से 10 दिन के अंदर आपके पास पहुँच जाएगी। इसको परचेस करने के लिए एसर टेलीकॉम की वेबसाइट में जाना है आपको, और से भी ये वहीं से परचेस होगी, ठीक है। और क्योंकि ये बुक का नया एडिशन है मीडियाटेक स्पेशल, हर साल हर 6 महीने में मैं इस बुक को अपडेट करता हूँ, और इसमें जो नया एडिशन है अभी मीडियाटेक का डाला हुआ है, तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर डिटेलिंग बहुत अच्छे से दी गई है कि कौन सी आईसी में कितने वोल्टेज बनते हैं, किस तरह से हमें कहाँ पर लाइन पर फ्रिक्वेंसी चेक करना है। इवन यहाँ पर DSO की भी अच्छी जानकारी मैंने दी है, पर मैं DSO को लेकर काफ़ी कुछ नया अपडेट करूँगा इस बुक में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस बुक को जरूर परचेस करें।